टीकमगढ़ कोतवाली अंतर्गत ग्राम मदनपुर में बीते दिनों 15 जून को आरोपी रूपसिंह लोधी ने नाबालिग बालिका की उसके घर के सामने चाकू गोद कर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी पीड़ित परिवार के लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मामले की जानकारी पाते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर फरियादी पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 515 धारा 302 का मुकदमा कायम किया गया है। कुमारी गायत्री की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके घर के सामने रहने वाला रूपसिंह है। उक्त बालिका अपने रिश्तेदार महिला के साथ सोच के लिए पास के खेत में गई थी। उसी दौरान आरोपी रूपसिंह ने गायत्री को पकड़कर उसकी पीठ और पेट में चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AML चौरसिया के निर्देशन पर थाना प्रभारी कोतवाली अनिल सिंह मौर्य ने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके आज सुबह 7 बजे उत्तर प्रदेश की सीमा पर आरोपी रूपसिंह लोधी को एक ऑटो में पकड़ा है और थाना लाकर पूछताछ की। आरोपी रूपसिंह के पास से घटना में प्रयुक्त वह चाकू बरामद कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। बता, जो 302 का कल मामला था, क्या मामला था? कल ग्राम मदनपुर में एक नाबालिग बच्ची की चाकू मारकर एक लड़के ने हत्या कर दी थी। रूप सिंह लोधी पिता जसरथ लोधी, ये उसी लड़की के घर के सामने रहता था, उसी के समाज का भी लड़का था। इस लड़के को कल इसने लड़की के ऊपर, जब लड़की शौच करने गई थी, तो कम से कम 5 से 6 वार इसने चाकू से किए थे। 4 से 5 चोटें पीठ पे थी और 1 चोट पेट पे लगी थी लड़की की, जिसके कारण लड़की की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके साथ शौच करने वाली जो दूसरी लड़कियाँ और महिलाएं थी, उन्होंने दौड़कर परिवार वालों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कल से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसके बारे में जानकारी मिलने पर ये UP में भाग गया था। आज सुबह 7 बजे इसको सोजना रोड पर एक ऑटो में बैठकर ललितपुर तरफ जाते हुए पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इसने वो चाकू बरामद करा दिया, जिससे उसने लड़की की हत्या की। क्या वजह रही उनको मारने? लड़के जो आरोपी है, इसने पूछताछ में बताया कि ये एक तरफा प्यार करता था, लड़की इससे बातचीत करना नहीं चाहती थी, इसी गुस्सा में आकर इसने उसको चाकू से मारकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।